अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट बेसिक एनाटॉमी टर्म्स। इस वीडियो में मैं सारी टर्म्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूंगी जो आपने आगे जाके फर्स्ट ईयर MBBS में पढ़ने होंगे, जो हर चैप्टर में आपको नजर आएंगे। तो जब भी टर्म्स पहले से क्लियर हो जाएंगे तो आपके लिए बहुत ईजीली सब आप कुछ कर लेंगे, ठीक है। अजय किस बुक से पढ़ने हैं टर्म्स को ये भी मैं बता दूंगी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले दो टर्म्स जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, दैट इज़ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ हमारी बॉडी की फ्रंट साइड पे हो, लाइक फॉर एग्जांपल हमारा नी है, दैट इज़ ऑन द फ्रंट ऑफ आवर बॉडी, तो हम कहेंगे कि वो हमारे एंटीरियर साइड पे है, ओके। और कोई भी चीज़ हमारी बैक साइड पे हो, लाइक फॉर एग्जांपल हमारी वर्टीब्रल बॉडी है, जो हमारी पूरी वर्टीब्री है वो हमारी बॉडी की बैक साइड पे, ऑब्वियसली इट्स नॉट ऑन द फ्रंट, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं वर्ड पोस्टीरियर, ओके। सो एंटीरियर मीन्स ऑन द फ्रंट ऑफ द बॉडी एंड पोस्टीरियर मीन्स ऑन द बैक ऑफ द बॉडी। ये दो टर्म्स बहुत कॉमन हैं, लेकिन इसके अलावा यू शुड नो द अदर टर्म कि एंटीरियर का जो सेकेंड वर्ड है दैट इज़ कॉल्ड एज वेंट्रल, एंड पोस्टीरियर का सेकेंड वर्ड है डॉर्सल। सो अगर वेंट्रल और डॉर्सल भी आपको कहीं नज़र आता है कि कोई चीज़ वेंट्रल है या कोई चीज़ डॉर्सल है, तो यू शुड नो कि इट इज़ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। सो ये बस इनके सेकेंड नेम्स हैं, ऐसे कोई डिफरेंस इन दोनों के बीच में नहीं है, ओके। इसके अलावा वी हैव टू मोर थिंग्स, वन इज़ सुपरफिशियल एंड वन इज़ डीप। ऑब्वियसली इन दोनों को भी आप एक साथ पढ़ेंगे इसलिए क्योंकि सुपरफिशियल का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ जो हमारी बॉडी की सरफेस के पास है, कोई भी चीज़ जो हमारी स्किन के पास है, दैट जैसे स्किन से स्किन की लेयर के नीचे कोई भी ऐसी चीज़ जो स्किन के बिल्कुल पास पास, दैट विल बी कॉल्ड कि वो सुपरफिशियल है। और डीप का मतलब ये होगा कि जो हमारी बॉडी के अंदर डीपली एम्बेड हुई हुई है, कोई चीज़ बहुत अंदर की तरफ है, तो हम कहेंगे कि वो डीप है, जो हमारी स्किन के पास नहीं है, ओके। सो दीज टू टर्म्स आर इंटरकनेक्टेड लाइक इन दिस वे। इसके बाद मैं दो चीज़ों की बात करती हूँ, वन इज़ मीडियल एंड वन इज़ लेटरल, ठीक है। मीडियल लेटरल पोजिशन का क्या मतलब होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ अ बॉडी, ओके, आप इसको इमेजिन कर लेंगे पूरी बॉडी है, सॉरी फॉर द रॉन्ग डायग्राम, ओके। तो ये हमारी ऑब्वियसली बॉडी की मिड लाइन होगी, जो भी सेंटर से जा रही होगी चीज़, दैट विल बी कॉल्ड एज द मिड लाइन। इसी तरह से अगर हम अपने सर से पूरा एंड तक नीचे तक लेके जाएं तो एक मिड लाइन होगी ऑब्वियसली बॉडी की। तो कोई भी चीज़ जो हमारी मिड लाइन के यहाँ पास पास होगी, दैट विल बी कॉल्ड एज मीडियल, कि वो मीडियल साइड पे है। और जो चीज़ दूर होगी हमारी बॉडी मिड लाइन से, दैट विल बी कॉल्ड एज अ लेटरल, कि वो हमारी बॉडी से दूर है। अब इसकी बहुत आसान सी एग्जांपल ये है कि जैसे हमारा फुट है, ठीक है, इफ़ यू स्टैंड, ठीक है, आप खड़े होकर देखो तो आपके फुट में जो आपका थंब है वो आपकी बॉडी के सेंटर पास के पास है। अगर आप इमेजिनरी एक लाइन ड्रॉ करो अपनी पूरी बॉडी को हाफ में करो इमेजिन, तो आप ऑब्वियसली आपका जो थंब है फुट का वो सेंटर वाले पार्ट के ज़्यादा करीब है एज़ कम्पेयर टू द लिटिल टो, ओके। जो आपका छोटी वाली जो उंगली है पाँव की, वो आपकी मिड लाइन से दूर है, वो बिल्कुल बॉडी के कॉर्नर पे है ना। सो वी विल से कि थंब जो है वो मीडियल साइड पे है और जो हमारी जो बिल्कुल लिटिल वाला टो है दैट इज़ ऑन द लेटरल साइड। सो दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल अगर इस चीज़ को आपने समझना है कि मीडियल और लेटरल का क्या मतलब है। मीडियल मीन्स जो आपकी बॉडी के बिल्कुल सेंटर पार्ट के करीब हो, जो मीडियल साइड पे हो, और लेटरल का मतलब वो कि जो आपकी बॉडी के सेंटर मिड लाइन से दूर हो। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज़ प्रॉक्सिमल। ये सब मैं पेयर्स में ही बता रही हूँ ताकि याद करने में आसानी हो, ओके। सो व्हाट इज़ प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। प्रॉक्सिमल का मतलब कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ज्यूम कर लूँ अपना शोल्डर, ओके, शोल्डर के बाद हमारा आर्म आता है, ओके। तो आर्म जो होगा हमारा, जो हमारा वो शोल्डर से प्रॉक्सिमल है, बिकॉज देखें जैसे फॉर एग्जांपल हम इमेजिन कर लें कि इमेजिन नहीं, दिस इज़ द फैक्ट कि जो हमारा शोल्डर है वो स्टार्ट हो रहा है जहाँ से, दैट इज़ द शोल्डर जॉइंट, ठीक है। जो शोल्डर जहाँ से हमारा स्टार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड इज द शोल्डर जॉइंट, और वो उसकी रूट है, ओके। वहाँ से जहाँ से वो निकल रहा है वो उसकी रूट है, तो उस शोल्डर जॉइंट या उसकी रूट के पास जो भी चीज़ होगी वो कहेंगे हम कि वो उसके प्रॉक्सिमल है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा आर्म है और हमारा हैंड है, हमारा जो फिंगर्स और हमारा हैंड है वो तो हमारे रूट से काफ़ी दूर है ना, थोड़ा नीचे करके, तो हम कहेंगे कि वो दूर है तो वो डिस्टल है, अवे फ्रॉम द रूट है, यानी थोड़ा दूर है तो इट इज़ डिस्टल। और जो हमारा आर्म है एज़ कम्पेयर टू द हैंड वो प्रॉक्सिमल साइड पे, यानी वो हमारे रूट के बिल्कुल करीब है। सो प्रॉक्सिमल एंड डिस्टेंस मीन्स लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपना हिप जॉइंट देखें तो हिप जॉइंट को हम कहते हैं कि वो रूट है, और जो हमारी थाई है वो हमारे हिप जॉइंट के पास है, तो वी विल से कि थाई इज़ प्रॉक्सिमल टू द हिप जॉइंट क्योंकि उसके पास है। एंड ऑल्सो
जो हमारे जो फुट है दैट इज़ वो बिल्कुल दूर है हमारे उससे हिप जॉइंट से, तो हम कहेंगे कि वो डिस्टल है, यानी वो दूर है उससे. ओके, सो मैंने इसको इस तरह से भी याद रखा था कि पी से पास होता है एंड पी से प्रॉक्सिमल होता है, यानी पास, और डी से दूर एंड डी से डिस्टल. सो यू कैन लर्न इट दैट वे. मैंने इसी तरह से याद किया था बिकॉज मुझे याद नहीं होता था. तो प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल आप इस तरह से याद रखते हैं कि जो चीज़ स्टार्टिंग के बिल्कुल पास है दैट इज़ प्रॉक्सिमल, और जो दूर है दैट इज़ डिस्टल. इसके बाद दो टर्म्स और आती हैं, दैट इज़ पामा एंड डॉर्सल. ओके, सो व्हाट इज़ पामा एंड डॉर्सल मीन्स. पामा आप इसमें याद रखें कि हमारा पाम, ठीक है, जैसे हमारे हैंड का ये पाम है, ठीक है, तो दिस इज़ द पामल साइड. ओके, दिस इज़ द पामर साइड ऑफ आवर हैंड, और ये जो इसका बैक साइड होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द डॉर्सल. तो पामर मीन्स जो पाम के साइड है दैट विल बी कॉल्ड एज द पामर, और जो हमारे पाम की अपोजिट साइड, लाइक दिस इज़ पामर साइड एंड दिस इज़ द अपोजिट साइड, तो ये डॉर्सल साइड हो गई. तो ये चीज़ आपने इस तरह से याद रखनी है कि पामर एंड डॉर्सल मीन्स दिस. ओके, नाउ अब हम कुछ मूवमेंट्स कर लेते हैं बॉडी की जो बहुत कॉमन मूवमेंट्स हैं और जो बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे. सो वन इज़ फ्लेक्शन एंड द अदर वन इज़ एक्सटेंशन. फ्लेक्शन का मतलब किसी भी चीज़ को फ्लेक्स करना. फॉर एग्जाम्पल, ये मेरी फिंगर है, अगर मैं इसको यूं करती हूँ सो दिस मीन्स कि ये फ्लेक्शन कर रही हूँ मैं, दिस मीन्स फ्लेक्शन, ठीक है. और अगर सपोज ये है, मैं इसको यूं कर रही हूँ, एक्सटेंड कर रही हूँ यूं, दिस इज़ आउटवर्ड, जो बाहर की तरफ जा रही है दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सटेंशन. तो किसी भी बॉडी पार्ट को अगर आप इसी तरह से फ्लेक्स करते हैं तो इट मीन्स फ्लेक्शन, और अगर आप किसी चीज़ को यूँ खोल रहे हैं लाइक दिस दैट मीन्स एक्सटेंशन. अगर आप अपने आर्म के साथ भी कर सकते हैं, आप अपने थाई के साथ भी कर सकते हैं, तो ये चीज़ होती है कि फ्लेक्शन मीन्स कि एंगल को रिड्यूस कर रहे होते हैं आप बेसिकली. फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का मतलब होता है कि एंगल को इंक्रीज कर रहे होते हैं. सो दीज टू थिंग्स आर लाइक दिस. इसके बाद जो दो बहुत कॉमन टर्म्स हैं दैट इज़ एबडक्शन एंड एडक्शन. ओके, सो एबडक्शन एडक्शन का क्या मतलब होता है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से आपको इस तरह से समझाती हूँ कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ बॉडी. ओके, और सपोज़ ये कि यहाँ से आर्म, जैसे हमारे शोल्डर जॉइंट है तो यहाँ से आर्म निकल रहा है. ओके, हमारा आर्म यहाँ बिल्कुल यूँ होता है. ओके, अगर हम इसको यहाँ से अपनी बॉडी से यूँ यूँ लेकर जाएँ, ठीक है, लाइक ये सीधा इंसान है, दिस इज़ अ ह्यूमन बीइंग. ओके, हमारा आर्म है, हम इसको इस तरफ लेके जा रहे हैं, हम एंगल इंक्रीज कर रहे हैं. सो इट मींस कि हम एबडक्शन करा रहे हैं किसी भी लिम्ब को. अगर हम बॉडी से दूर लेके जा रहे हैं इट मींस कि एबडक्शन हो रही है. और अगर सपोज़ कि ये यहाँ पे था, ओके, हमने हाथ को यूँ खोला हुआ है अपना, ठीक है, और अगर हम इसको पास लेकर आ रहे हैं बिल्कुल अपने बॉडी के साथ यूँ ला रहे हैं, तो इट मींस कि हम एडक्शन कर रहे हैं, एडक्शन. तो मैंने इस तरह से दोनों में डिफरेंस याद रखा था कि एड मींस जमा करना. तो इस तरह से मैंने याद रखा था कि जब आप करीब ला रहे होंगे तो आप बेसिकली बॉडी के पास ला रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो एडक्शन हो रही है, और जब आप दूर लेके जा रहे हैं तो अदर वन ऑब्वियसली मीन्स एबडक्शन. तो इस तरह से आपने दोनों टर्म्स याद रखनी है. ओके, सुनाओ, अब मैंने यहाँ पे ये वाली बुक खोली है, दिस इज़ बी डी चौरासियास हैंडबुक, जो कि आपने फर्स्ट अपने इसमें पढ़नी होगी मॉड्यूल में. तो मैं इससे आपको सब चीज़ें बता रही हूँ ताकि आप लोगों को मैं ये भी बताती जाऊँ कि कौन सी चीज़ पेपर में बहुत ज़्यादा कॉमन है और जो बहुत ज़्यादा आती है. तो अगर आपका यही एडिशन है दैट इज़ सिक्स्थ एडिशन, तो इसका पेज नंबर 10 है. यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ एनाटॉमी लिखी हुई है, ठीक है, दिस यहाँ पे सबसे पहले पोजीशंस है. ओके, तो दिस पोजिशन, दिस इज़ एनाटॉमिकल पोजिशन, ठीक है. एनाटॉमिकल पोजिशन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है पेपर में, दिस इज़ अ वेरी कॉमन पोजिशन जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए. इसकी दो से तीन चीज़ें हैं बस, कि एक तो ये कि पर्सन शुड बी स्टैंडिंग स्ट्रेट, ठीक है, बिल्कुल सीधा इंसान खड़ा होना चाहिए. देर शुड नॉट बी एनी बेंडिंग इन द बॉडी. ओके, बिल्कुल सीधा अगर कोई इंसान खड़ा हुआ है विद आइज़ लुकिंग फॉरवर्ड, यानी वो बिल्कुल सामने की तरफ देख रहा है, उसके दोनों हाथ उसकी बॉडी की साइड्स पे हैं, और जो पाम है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पामर और डॉर्सल सरफेस क्या होती है, तो उसके पाम बिल्कुल सामने की तरफ है, बोथ फीट आर जॉइंट टुगेदर, तो फिर हम कहते हैं कि ये जो पर्सन है एनाटॉमिकल पोजीशन में. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, यू शुड नो दिस. इसकी इलस्ट्रेशन भी यहाँ पे दिखाई हुई है सेकेंड पेज, पेज नंबर 11 पे. यू कैन सी कि शी इज स्टैंडिंग स्ट्रेट. इसके जो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करूँ, तो ये जो इसके पाम है ये बिल्कुल सामने की तरफ है. ओके, यू कैन सी के पाम जो है बिल्कुल सामने की तरफ है, इसने किस तरह से अपने हैंड्स रखे हुए हैं. फिर इसके जो हाथ हैं वो बिल्कुल बॉडी के साथ हैं, यू कैन सी दिस. ओके, शी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड, और एज वेल इसके जो फीट हैं वो भी साथ जोड़े हुए हैं इसने. ओके, सो फीट्स आर ज्वाइंट, हैंड्स आर टूवर्ड्स द बॉडी,
palms are facing forward, eyes looking forward, and she is standing straight. So we can say that she is in an anatomical position. बहुत इंपॉर्टेंट पोजिशन है, यू शुड नो दिस. इसके बाद दो पोजिशन आती हैं, सपाइन पोजिशन एंड प्रोन पोजिशन. ओके, सो इसके बाद हमारे पास दो पोजिशन है, एक सपाइन पोजिशन है, एक प्रोन पोजिशन है. बहुत कॉमन पोजिशन है जो हम डेली अपनी लाइफ में भी देख रहे होते हैं कि अगर एक इंसान लेटा हुआ है, ठीक है, अपनी बैक पे, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये इंसान बिल्कुल सीधा लेटा हुआ है, ठीक है, ही इज़ लुकिंग अपवर्ड्स, ठीक है, और इसके जो हाथ हैं वो बिल्कुल बॉडी के साथ हैं, ठीक है. तो दिस पोजिशन इज कॉल्ड सपाइन पोजिशन, कि बिल्कुल ही ऊपर बिल्कुल सीधा लेटा हुआ, ही इज़ लेइंग ऑन हिज बैक. ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज सपाइन पोजिशन. और इसी का ऑपोजिट होगा प्रोन पोजिशन, यानी कोई भी अगर अपने एब्डोमेन पे उल्टा होकर लेटा हुआ है, ठीक है, हाथ अगेन अपनी बॉडी के बिल्कुल साथ हैं, तो विल से कि प्रोन पोजिशन. दीज टू पोजिशन आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए. बट इन तीनों में इफ आई से कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी, और जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ एनाटॉमिकल पोजिशन. यू शुड नो कि इसमें दो चार चीज़ें क्या हैं. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पोजिशन, दैट इज़ लिथोटॉमी पोजिशन, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ईयर में नहीं है. बट यू शुड नो ऑब्वियसली कि जो दिस इज़ के जब एक इंसान बिल्कुल सीधा लेटा हुआ होता है ऑन हिज बैक, ठीक है, इसकी जो लेग्स हैं वो अप ऊपर हैं और इसको स्ट्रैप से सपोर्ट किया हुआ है. यू कैन सी के स्ट्रैप्स हैं, उससे लेग्स को सपोर्ट किया हुआ है. ऑफन ये जो पोजिशन होती है ये बेबी की डिलीवरी के टाइम पे होती है, दिस इज़ दैट पोजिशन. लेकिन ये फर्स्ट टाइम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सो यू कैन लीव इट. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज़ प्लेन्स. प्लेन्स ऑफ द बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. प्लेन्स ऑफ द बॉडी में सबसे पहले हमारा एक प्लेन आता है, दैट इज़ मीडियन प्लेन. ओके, मीडियन नाम से ही पता चल रहा है, मीडियन मीन्स टूवर्ड्स द मिडल. तो ये वाला जो हमारा प्लेन है, यू कैन सी ओवर हेयर, ये जो प्लेन है, ठीक है, ये भी ऑब्वियसली पेपर के MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि मीडियन प्लेन जब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं यूँ अगर एक इंसान को कट कर रही हूँ, सो दिस इज़ द मीडियन प्लेन. यानी एक इंसान राइट और लेफ्ट साइड में कट हो जाएगा ना, जब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कट कर रही हूँ किसी को, तो एक राइट साइड हो जाएगी, एक लेफ्ट साइड हो जाएगी. सो व्हेन वी आर पासिंग अ प्लेन थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी, डिवाइडिंग इनटू टू द राइट एंड द लेफ्ट हाफ, दैट मींस इट इज़ अ मीडियन पेन. और इसका सेकंड नाम है मिड सेजाइटल पेन. सो देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द पेन्स. ओके, एक ये पेन हो गया. अच्छा, इसी के एक और प्लेन होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज कोरोनल प्लेन. कोरोनल प्लेन क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरा सर है, ठीक है, अब सर के बिल्कुल बीच में से यूं, ठीक है, यूँ नीचे तक मैं ला रही हूँ, यानी एक बॉडी का पीछे वाला हिस्सा अलग हो जाएगा, आगे वाला हिस्सा अलग हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड एज कोरोनल प्लेन. ओके, बहुत अच्छे से सब यहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक है. तो कोरोनल प्लेन मीन्स एक इंटीरियर पार्ट हो जाएगा, एक पोस्टीरियर पार्ट हो जाएगा बॉडी का, दैट इज़ कोरोनल प्लेन. ओके, इसी तरह से एक ट्रांसवर्स प्लेन होता है जो बिल्कुल सेंटर से यूँ जा रहा होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज़ द ट्रांसवर्स प्लेन. इसमें ऑब्वियसली ये होगा कि यहाँ से जब कट हो जाएगी बॉडी, तो एक पार्ट ऊपर का हो जाएगा, एक पार्ट नीचे का हो जाएगा. तो जब भी बॉडी अपर एंड लोअर पार्ट में डिवाइड हो रही होती है, तो हम कहते हैं कि वो ट्रांसवर्स प्लेन है. सो दीज आर थ्री प्लेन्स. सबसे ज़्यादा जो पूछी जाती है वो मीडियम प्लेन होती है, बट यू शुड नो थ्री ऑफ देम. ओके, इसके बाद हम इसी के नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, दैट इज़ पेज नंबर 13. पेज नंबर 13 पे यहाँ पे एक बेबी शो किया हुआ है, जिसमें वही तीन प्लेन शो किए हुए, एक मीडियल, कोरोनल एंड ट्रांसवर्स प्लेन. ओके, तो ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. इसके बाद यहाँ पे आते हैं टर्म्स. वेंट्रल इंटीरियर हम कर चुके हैं, डॉर्सल पोस्टीरियर कर चुके हैं, मीडियल लेटरल कर चुके हैं, ठीक है, हम वी हैव डन. ओके, सुपीरियर इंफीरियर, ऑब्वियसली दिस इज वेरी इजी कि सुपीरियर का मतलब होता है सुपीरियर कह लो, प्रॉक्सिमल कह लो या क्रेनियल कह लो, जो बिल्कुल क्लोज हो किसी चीज़ के. जैसे फॉर एग्जाम्पल हेड है हमारा, तो क्लोज टू द हेड ले लो अगर आप. प्रॉक्सिमल डिस्टल तो बिल्कुल एक वैसी टर्म है कि जिसे कोई रूट से स्टार्ट करो, इट इज़ नॉट अबाउट हेड ओनली, कि आप शोल्डर से ले लो कि आर्म जो है वो बिल्कुल प्रॉक्सिमल है शोल्डर के, और डिस्टल में हैंड आ जाएगा कि हैंड जो है हमारे शोल्डर जॉइंट से बहुत दूर है, सो इट इज़ डिस्टल. तो सुपीरियर इन्फीरियर का मतलब यही होगा कि जो बॉडी के ऊपर वाला हिस्सा है, दैट इज़ जो हेड ऑब्वियसली सबसे टॉप पे है, तो हम हेड को ही एक वो लेते हैं रेफरेंस पॉइंट, कि जो हेड के पास चीज़ है, दैट विल बी कॉल्ड सुपीरियर या क्रेनियल.
और जो हमारे सबसे नीचे वाला पार्ट है जो उसको हम कहेंगे कि वो इंफीरियर है या कॉडल पार्ट है। सुपरफिशियल डी वी हैव ऑलरेडी डन। इप्सिलेटरल एंड कॉन्ट्रालेटरल इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स नहीं है ना। इन्वेजिनेशन और इवेजिनेशन, इन्वेजिनेशन और इवेजिनेशन तो सबको पता ही होता है कि इन्वेजिनेशन का मतलब है कि कोई चीज़ अंदर की तरफ प्रोजेक्ट हो रही है, इवेजिनेशन का मतलब है कि कोई चीज़ बाहर की तरफ हो रही है। यहाँ पर दिखाया हुआ है जैसे ये अंदर की तरफ आ रही है सो इट मीन्स कि इन्वेजिनेट हो रही है, और कोई चीज़ बाहर की तरफ जा रही है तो इट मीन्स कि वो इवेजिनेट हो रही है। तो ये तो बहुत ईजी टर्म है, मतलब ये तो पता ही होती है। इसके अलावा कॉन्ट्रालेटरल और इप्सिलेटरल कोई ऐसी इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर जस्ट फॉर द सेक ऑफ द नॉलेज, इप्सिलेटरल मीन्स के सेम साइड ऑफ द बॉडी जैसे दूसरा स्ट्रक्चर है, कॉन्ट्रालेटरल का मतलब होता है कि दोनों स्ट्रक्चर्स ऑपोजिट साइड पे हैं। फॉर एग्जांपल हमारी जो राइट वाली थाई है वो और हमारा लेफ्ट वाला आर्म ऑब्वियसली अलग पोजीशंस हो गए ना, ये लेफ्ट साइड पे है वो राइट साइड पे, तो ये कॉन्ट्रालेटरल हो गए। और इप्सिलेटरल का मतलब होता है जैसे कि हमारा राइट हैंड और राइट थाई दोनों एक ही राइट साइड पे हैं, तो इट मींस कि इप्सिलेटरल। इप्सिलेटरल मींस सेम साइड, जैसे दोनों राइट पे हैं। कॉन्ट्रालेटरल मींस ऑपोजिट साइड्स, एक राइट पे है कोई चीज़, एक चीज़ लेफ्ट साइड पे है। ओके अच्छा, ये जो दो डायग्राम्स हैं बहुत अच्छी डायग्राम्स हैं, इससे अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी। इसमें सब चीज़ें दिखाई हुई हैं कि कौन सा प्लेन, मतलब कौन सा बॉर्डर है एंड एवरीथिंग। यहाँ पे दिखाया हुआ है कि मीडियल जो है सेंटर पार्ट में, लेटरल ऑपोजिट पार्ट में, एरो से शो किया हुआ है कि जो बाहर की तरफ जा रहा है। सुपीरियर मीन्स टूवर्ड्स द हेड एंड इन्फीरियर मीन्स टूवर्ड्स द फुट। ओके इस तरह से ये दोनों डायग्राम्स हैं पेज नंबर 14 पे, ये आपने लाजमी करनी। इसके बाद भी यही वाली सारी टर्म्स आगे दिखाई हुई हैं, देयर इज नथिंग एज सच इन दीज टर्म्स, आप इस सारी टर्म्स पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ दिस, ये पेज नंबर 18 है। इस पे ये सारी डायग्राम्स शो की हुई हैं कि कौन सी बॉडी में पोजिशन, कौन सी मूवमेंट हो रही है। ओके तो फ्लेक्शन मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे ये हाथ दिखाया हुआ है अगर इस तरफ आ रहा होगा तो यानी फ्लेक्शन हो रही है, यानी एंगल कम हो रहा है। ओके और इसी तरह से अगर कोई चीज़ इससे इस तरफ जा रही होगी तो एक्सटेंशन, जैसे यहाँ से एक्सटेंशन हो रही है तो एंगल जो है वो बढ़ रहा है, यानी कोई चीज़ स्ट्रेट हो रही है। ठीक है, बेंडिंग मीन्स फ्लेक्शन एंड स्ट्रेटनिंग मीन्स एक्सटेंशन। तो ये दो टर्म्स भी आपको बता चुकी हूँ। एबडक्शन एंड एडक्शन क्या होता है? एबडक्शन का मतलब किसी बॉडी के किसी भी लिम को, लिम मीन्स हैंड का साइड हो गया, फुट या हमारे थाई वाली जो पूरी चीज़ हो गई या लेग हो गई, ठीक है, उसको बॉडी से दूर लेके जाना मीन्स एबडक्शन। एंड एडडक्शन जिसमें शुरू में एडक्शन आ रहा है, एड यानी प्लस करना किसी चीज़ को, तो इसका मतलब कि बॉडी के आपने पास लेकर आना है, प्लस कर रहे हैं किसी चीज़ को बॉडी के साथ, तो इट इज़ एडक्शन, मूविंग टूवर्ड्स द मिड लाइन एंड अवे फ्रॉम द मिड लाइन। प्रोनेशन एंड सपिनेशन हमने बॉडी की कर ली थी। अगर हम किसी भी और बॉडी पार्ट के बारे में पढ़ेंगे तो उसका यही मतलब है। सपाइन पोजिशन मीन्स कि आप किसी भी चीज़ को ऊपर की तरफ टर्न करें, जैसे उसमें हमने पढ़ा था कि बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट अपने बैक पे लेटी हुई है और ऊपर की तरफ देख रही है तो इट मीन्स अपवर्ड्स। सो सपाइन मीन्स अपवर्ड्स, जैसे अगर मैं ये करूँ तो दिस इज सपाइन पोजिशन, अपवर्ड पोजिशन। और अगर मैं इसी को उल्टा कर लूँ तो इट मीन्स प्रोनेशन। यू कैन सी ओवर हियर के जैसे डॉर्सम वाला साइड ऊपर की तरफ है और जो हमारा पामर साइड है वो नीचे की तरफ है, तो इट मीन्स प्रोनेशन। इसी तरह से ये दो और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो फुट से रिलेटेड हैं, इवर्जन एंड इन्वर्जन। जैसे फॉर एग्जांपल ये पूरी एक लेग है, ठीक है, अगर हम अपने पाँव को अंदर की तरफ टूवर्ड्स द बॉडी लाइन मूव कर रहे हैं तो इन्वर्जन कर रहे हैं, हम अंदर की तरफ ला रहे हैं। और अगर बॉडी जो हमारा फुट है उसको हम बाहर की तरफ मिड लाइन से मूव कर रहे हैं तो उसका मतलब इवर्जन हो रही है। तो दिस आर वेरी सिंपल टर्म्स। इसी तरह से ये दो अगेन फुट की टर्म्स हैं, डॉर्सी फ्लेक्शन एंड प्लैंटर फ्लेक्शन। डॉर्सी आपने इस तरह से याद रखना है कि डॉर्सम मीन्स द अपर पार्ट। अच्छा अब ये देखें, जैसे हमारे हाथ का ये पामर सरफेस है तो इसी तरह से हमारे जो पाँव का नीचे वाला हिस्सा होता है वो ये वाला हिस्सा पाम होता है। ठीक है, अब इस तरह से टेक्सचर से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा डॉर्सम है हैंड का वो पाँव का ऊपर वाला कहलाता है डॉर्सम जिसे। ठीक है, तो डॉर्सी फ्लेक्शन में डॉर्सम की मूवमेंट यूं होगी, जैसे हम पाँव को सिर्फ इस पाँव को यूं लेकर जाएंगे दिस डॉर्सी फ्लेक्शन, और अगर हम पाँव को यूं लेकर जाएंगे तो इट इज़ प्लैंटर फ्लेक्शन जो कि पामर सरफेस रिलेटेड है। पाँव वाली जो पामर सरफेस को हम यूं लेकर जा रहे हैं, सो इट मीन्स प्लैंटर फ्लेक्शन। एंड डॉर्सी फ्लेक्शन मीन्स कि हम इसको यूं लेके जाएंगे। सो ये दोनों फुट से रिलेटेड टर्म्स हो गई। ओके, इसमें बहुत सारी जैसे ये वाली डायग्राम से इनको अभी आपने छोड़ देना, बिकॉज इसमें बहुत सी ऐसी आर्टरीज और सब के बारे में जो अभी आपने नहीं पढ़ना, वो आपने जब लोकोमोटर मॉड्यूल करेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे, तो अभी इसको बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक टर्म्स हैं आपने सिर्फ वो करनी है। इसके अलावा यहाँ पे ये है पेज नंबर 25, इस पर नीचे कुछ टर्म्स दी हुई हैं जो क्लिनिकल एनाटॉमी में यूज़ होती हैं। इनमें से आपने सिर्फ तीन टर्म्स करनी है, एक तो आइटिस,
यानी किसी भी वर्ड के एंड में आइटिस लिखा हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल आर्थराइटिस है, न्यूराइटिस, इसके एंड में आइटिस, तो उसका मतलब होता है कि इन्फ्लेमेशन हो रही है इस पार्ट की, ठीक है। इन्फ्लेमेशन मीन्स कि कोई भी पार्ट स्वेल हो रहा है, रेड हो रहा है, उसमें पेन हो रही है, दैट मीन्स इन्फ्लेमेशन। अपेंडिसाइटिस हो गया, टॉन्सिलाइटिस हो गया, ओके। इसके बाद सेकेंड टर्म है वो एक्टमी, यानी किसी भी वर्ड के एंड में एक्टमी होगा तो इसका मतलब है कि हमने उसको अपनी बॉडी से रिमूव कर दिया है। ये एक प्रोसेस ऐसा होता है इसमें रिमूवल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल टॉन्सिलेक्टमी, यानी कहीं पे भी एक्टमी होगा इसका मतलब उसको रिमूव कर दिया। टॉन्सिलेक्टमी मीन्स कि टॉन्सिल को रिमूव करना, ओके, बॉडी से सर्जिकली टॉन्सिल को रिमूव करना। इस टर्म को यूज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये सर्जिकल टर्म है, तो ऐसे इसकी कोई इंपॉर्टेंस फिलहाल नहीं है। इसके अलावा ये वाली टर्म भी जो है वो सर्जरी से रिलेटेड है। ओमा एक टर्म है जो आपको बताना चाहिए, इट मीन्स ट्यूमर। किसी भी चीज़ के एंड में ओ एम ए लिखा हुआ होगा तो इट मीन्स कि ट्यूमर है, लाइक फॉर एग्जांपल कार्सिनोमा, लिपोमा, वी हैव न्यूरोफिब्रोमा, तो यानी कि उस जो बॉडी का पार्ट है उसमें ट्यूमर हो रहा है। इसके बाद हम इस वाली टर्म्स पे आते हैं जो पेज नंबर 27 पे हैं। ये वाले जो एट्रोपी से टर्म स्टार्ट हो रही है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, इनको मैं इस तरह से समझा रही हूँ आपको। देखें सबसे पहले एट्रोपी, एट्रोफी का मतलब ये होता है कि कोई भी सेल है हमारी बॉडी में, कोई टिश्यू कह लो, ऑर्गन कह लो, तो उसमें क्या हो रहा है कि उसका जो साइज़ है वो बिल्कुल ऐसा ऐसा कम हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। और उसकी वजह ये है कि उसके जो न्यूट्रिशन है, उसकी जो ब्लड सप्लाई है या फॉर एग्जांपल नर्व सप्लाई है, कोई भी चीज़ वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो हम कहेंगे कि उस बॉडी पार्ट की एट्रोफी हो गई है, ओके, बिकॉज उसका न्यूट्रिशन ख़त्म हो गया। और इसी तरह से अगर हम डिस्ट्रॉफी का को देखें तो इसमें भी ये होता है कि किसी भी सेल का या टिश्यू का, ऑर्गन का साइज़ कम हो रहा है, लेकिन बिल्कुल उसमें न्यूट्रिशन ख़त्म नहीं हो रहा होता, ठीक है। इसमें ये होता है कि न्यूट्रिशन डिफेक्टिव होता है, यानी आहिस्ता आहिस्ता, मतलब इतना प्रॉपर नहीं होता कि वो अपने साइज़ को मेंटेन कर सके। तो एट्रोफी मीन्स के बिल्कुल न्यूट्रिशन ख़त्म हो गया जिसकी वजह से साइज़ कम हो रहा है। और डिस्ट्रॉफी का मतलब ये होता है कि साइज़ कम हो रहा है क्योंकि न्यूट्रिशन डिफेक्टिव है। इसी तरह से फिर ये दोनों टर्म्स भी आप एक साथ अगर देखें, हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है कि साइज़ बढ़ रहा है किसी चीज़ का, लेकिन नंबर ऑफ़ सेल्स नहीं बढ़ रहा, मतलब साइज़ बढ़ने की कोई और वजह है, नंबर ऑफ़ सेल्स या माइटोटिक डिवीजन नहीं हो रहा है, इसकी वजह से सेल बढ़ रहे हैं, तो हाइपरट्रॉफी उस वजह से नहीं हो रही। और जब प्लेजिया आ जाएगा हाइपर के आगे, हाइपरप्लेजिया मीन्स के साइज़ बढ़ रहा है और उसकी वजह है कि नंबर ऑफ़ सेल्स बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ़ सेल्स बेसिकली माइटोसिस और मियोसिस से ही इंक्रीज़ होते हैं, तो हाइपरट्रॉफी में जो है साइज़ जो है वो विदाउट द डिवीजन ऑफ सेल्स हो रहा होगा, और हाइपरप्लेजिया में विद डिवीजन ऑफ सेल्स हो रहा होगा। और इसी तरह से हाइपोप्लेजिया मीन्स कि इनकम्प्लीट डेवलपमेंट हो रही है किसी चीज़ की, बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं है। और अगर एप्लेजिया हो जाएगा तो यानी डेवलपमेंट बिल्कुल ही नहीं है। इसमें हाइपोप्लेजिया मीन्स कि इनकम्प्लीट डेवलपमेंट है, पूरी तरह से नहीं हुई। एप्लेजिया का मतलब ये होता है कि बिल्कुल ही डेवलपमेंट का फेल हो गई है बिल्कुल, ठीक है। ऑल्सो ये चीज़ आप याद रखना कि कहीं पे भी हाइपर किसी चीज़ के साथ लगा हुआ होगा तो हाइपर का मतलब होगा कि वो चीज़ बढ़ रही है, यानी उसमें इंक्रीज़ आ रहा है, और हाइपो मीन्स कि वो चीज़ कम हो रही है, ओके। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे कुछ पैरालिसिस की टर्म्स हैं कि अगर हैमी प्लेजिया है तो इसका मतलब ये है कि पैरालिसिस एक साइड पे बॉडी का। इन सब टर्म्स को आप पढ़ लीजिएगा, ये जो चार टर्म्स हैं ये पैरालिसिस से रिलेटेड है, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ईयर के लिहाज से नहीं है, ओके। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बेसिक एनाटॉमी टर्म्स। ये आपने ऑब्वियसली बीडी 84 से ही करने हैं, मैं वही रेकमेंड करूँगी, वो सबसे बेस्ट है। आपके वो यूट्यूब वीडियो से भी कर सकते हैं, आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन जो बेसिक आपने पढ़ना है वो बीडी 84 से ही पढ़ना है। इंट्रोडक्शन है, जैसे आप कंटेंट्स में देखेंगे तो जो इंट्रोडक्शन जहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज़ पेज नंबर 1 से, तो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 1। लेकिन ये आपने पेज नंबर 1 से नहीं पढ़ना, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल भी इनका कोई फोन नहीं होता, तो यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम चैप्टर पेज नंबर 10 जहाँ पे लैंग्वेज ऑफ एनाटॉमी लिखा हुआ है, वहाँ से आपने पढ़ना है, इसको शुरू करना है। और जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी वो मैंने आपको सब बता दिए कि मीडियल और लेटरल पोजीशन इंपॉर्टेंट है, इंटीरियर पोस्टीरियर पोजीशन इंपॉर्टेंट है, और पोजीशंस में भी है द एनाटॉमिकल पोजीशन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मूवमेंट्स में मैंने आपको चार मूवमेंट्स बताई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड एडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस मूवमेंट्स हैं, तो ये आपको सब पता होना चाहिए। और इस वाली लिस्ट में भी, वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट है, आपने सब पढ़नी है, एक दफ़ा पढ़ लोगे तो आ जाएगा, ऐसे कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स से जो आगे आएंगे बहुत ज़्यादा, वो मैंने आपको बता दी, ओके। तो अगर इसमें अभी भी कोई मसला हो आपको किसी भी टर्म में जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता देंगे, तो मैं आपको वो बता दूँगी वो टर्म। और आप मेरी ईमेल आईडी पे भी अपना कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, एंड आई विल गाइड यू ओवर देयर। थैंक यू।